शहर में ख्वाब खड़े हैं, कदम 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 ख्वाब की सूली कहाँ चढ़े हैं, कसम से हम तुम कसम से हम, जो मुश्किल है तो होने दे मंजिल के रास्ते, जो करना है सो करना है ख्वाबों के वास्ते, तू जा ले ले हाँ हाँ ले ले इतनी सी आस दे, सच होंगे वो देखेंगे जो हम आज अभी हाँ ख्वाब सभी ऊंचे। जब रोज लड़ाई सबल 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 सबल, बड़ी सोच की पकड़ कलाई, कसम से हर पल कसम से हर पल, लड़नी है जब रोज लड़ाई सबल 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 सबल, बड़ी सोच की पकड़ कलाई, कसम से हर पल कसम से हर पल, जो सोचेंगे हो जाएगा सीधी सी बात है, जो चाहेंगे वो पालेंगे हिम्मत जो साथ है, दिन आएंगे माना अब रात है, सच होंगे वो देखेंगे जो हम आज अभी हाँ ख्वाब सभी ऊंचे। शहर में जाने कहाँ है वो, क्यों बड़ी इमारत निकल रही मेरी किस्मत के सूरज को, जरा 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 बता मुझे, लुटे भी है और लुटे भी, बनते भी है और लुटे भी, लुटे भी है और लुटे भी, शहर में हम दम शहर में हम दम शहर में हम दम शहर में हम दम, के पंखों पे उड़ने वाले शहर में एक नौजवान था, होशियार समझदार स्मार्ट। वो हर किसी की तरह एक दिन बहुत बड़ा बनने का ख्वाब देखता था, ये उसकी कहानी है। इस शहर में बस्तियों से महलों तक पहुंचने के सपने को जिंदा रखने वाली एक कहानी। इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो सुबोध भाई? कुछ नहीं यार, नया धंधा करने की सोच रहा हूँ, बस उसी की तैयारी है। सुबोध भाई विद्या आ रही है। ये 3 मैगजीन कितने के हुए? 10 रुपए। अरे विद्या। हाँ? ला दो। हाँ छोड़ो। उठा लूंगी ना। अरे मैं। ठीक है यार, सामान ही तो है, छोड़ो। लो। वैसे आजकल तुम यही दिखते हो, तुम्हारे बिजनेस का क्या हो रहा है? अरे तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगता था ना कि मैं ईट सीमेंट का धंधा करूँ, इसलिए अब कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए? सिर्फ इसलिए नहीं, अब आज नहीं तो कल शादी तो करनी होगी ना, और तुम्हें पता है आजकल की लड़कियों को कैसा पति चाहिए, पैसे वाला, बिजनेस वाला और पता नहीं क्या क्या। तो फिर ऐसी लड़की को क्यों चुनना जो ये सारी चीजें मांगे? अरे चुनना क्या, अपने बस में है यार, बस हो जाता है। और लड़की बोले ना तो क्या, दिल की बात तो समझनी पड़ती है ना। वैसे कौन है ये लड़की? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये मोहल्ले वालों से पूछो पूछो पूछो। अरे हाँ उनसे पूछ लो। वैसे चौल में भी कितने साल हो गए ना, शादी से पहले किसी अच्छे से एरिया में फ्लैट लेना ही है। हाय, आराम से। अरे देख के यार। सामान यही रख दो। क्या क्या? अरे इतनी भारी मदद के लिए चाय भी नहीं पिलाओगी? ट्यूशन के स्टूडेंट्स का आने का वक्त हो गया। तो ठीक है, जब आएंगे तो चला जाऊंगा। शाम को आ जाना। हाँ? तब पापा भी होंगे और चाय भी मिल जाएगी। पापा के साथ शाम को चाय? नो थैंक्स, चलता हूँ, बाय। भैया। हाँ? भैया मैं सोच रही थी कि सिलाई क्लासेस में भर्ती हो जाती, यही बाजू के दिनेश नगर में। बस अगले 3 महीने के लिए मुझसे पैसे मत मांग। सिलाई सीख लेती तो घर बैठे बैठे कुछ पैसे भी हो जाते। शैला तू पैसे कमाने की चिंता छोड़ दे, मैं संभाल लूँ। हाँ? अरे धीकरा तू ही तो संभालता है सब, फिर नौकरी क्यों नहीं करता? सुना है जैन को भी नौकरी मिली है।
बात 2-4 हज़ार रुपए की तनख्वाह में क्या होगा, मैं अब कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। पर अभी वाला तो अच्छा है, 5 साल से तो इसी पर ही अपना घर चल रहा था। अब देख, बापू जी के ऊपर भरोसा रखते ना तो हम कब से सड़क पर आ भी जाते। तो अभी कौन सा सड़क से अच्छा है, और अभी तो शैला की शादी करनी है, ढंग का मकान लेना है, पुरानी कमाई में ये सब कहाँ से हो पाएगा। वैसे कौन सा काम है ऐसा कि जिसमें तुझे पहले से ही ज्यादा मिलेगा। बात तुम नहीं समझोगी, सुबोध। अरे जयंत कैसा है, बैठ यार, चाय पिएगा? हाँ बिल्कुल दोस्त, एक चाय और लाना। और भाई मुबारक हो, सुना है नौकरी मिल गई? नौकरी तो मिल गई यार, लेकिन पगार सिर्फ 4,500। अरे इसीलिए तो कहता हूँ यार, किसी अच्छे धंधे के बारे में सोचो, और तुम्हारे विद्या तो बस लगे रहते हो यार। हाँ अभी मेरा धंधा देखो, ठीक ठाक ही तो कमा लेता हूँ, वो भी पार्ट टाइम करके। तुम लोग ना रिस्क लेने से डरते। अगर तेरा धंधा इतना ही अच्छा है तो तू इसे क्यों छोड़ रहा है? यार कुछ बड़ा काम करने की सोच रहा हूँ, आखिर कब तक इसमें पिसता रहूँगा। इतने पैसे मैंने बचा लिए हैं कि अगले 2 महीने के लिए घर का खर्च निकला है। अब कुछ ऐसा काम करना है जिसमें बढ़ने के खूब चांसेस हो। ऐसा क्या बिजनेस तुम बिना कैपिटल के शुरू कर दो और बड़े भी हो जाओ? मैं अब शेयर बाजार में जाने की सोच रहा हूं। दलाल स्ट्रीट, ये नाम पड़ा यहां होने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से। दलाली, एक ऐसी सड़क जहां दुनिया की ईमान को बदलने वाली ताकत यानी पैसे का राज चलता है। पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलती है। यहां मुनाफा भी है और नुकसान भी, उम्मीद और हिम्मत यहां का एंट्री पास। किधर है, दिखता नहीं क्या? सॉरी मैं। हेलो सर, कोई प्रॉब्लम सर? बंबई में हमेशा की प्रॉब्लम, भीड़। चलो ड्राइवर सर, चलो भाई। अरे मैं तो बस। अरे छोड़ो यार। अरे पर मैं तो नया है क्या? हाँ वो। अरे हर कोई कभी ना कभी यार नया ही था। अब इधर में देखना, लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं, ये खरीद वो बेच, लेकिन क्या बेचते दिखता किधर है? मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ 10 रुपए के केले दीजिएगा। हाँ। ए तेरे को अंदर जाना है क्या? हाँ। नहीं बाबा, तू अंदर नहीं जा सकता। नहीं। एक काम कर, तू 1 घंटे के बाद आ, वो अंदर वाले लोग सब बाहर आएंगे। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई प्लीज जाने देना। आपके पास कोई कार्ड वगैरह है? नहीं। तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे बस 2 मिनट मिलना है किसी से। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अभी वाकई में मिल के आ जाऊंगा उनसे। देखिए आप। एक्सक्यूज मी जी, काउंटर किधर है? कौन सी PST का काउंटर किधर है? आप राइट जाइए। हाँ, फिर लेफ्ट में। ओके, थैंक यू। अनोखे इशारे और जादुई आंकड़े, मुनाफा और नुकसान का एक रोमांचक खेल, एक ऐसा जादू जो पैसे को अनजाने हाथों के बीच नचाए। यही है वो जंग जहां विराट योद्धा शेरों से लड़ते हैं और उनके मुंह से नफा छीन ले जाते हैं। ये एक धंधा भी है और एक खतरनाक खेल भी।
आ गया तू? क्या हुआ, मिला किसी से? नहीं आज तो नहीं। एक मिनट, हरी ये तू सवाल ले। ए हरी इकड़ी है। अरे क्या काम कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ ना। अरे नया लड़का है, थोड़ी मदद तो कर। तारी नाव क्या तुझे? सुबोध, सुबोध मेहता। अरे भैया तू तो भैया ना, वो सुबह ठाकुर साहब के साथ। अरे जरा समझ के, ठाकुर साहब यहाँ के मार्केट के बहुत बड़े ब्रोकर हैं, समझे? लेकिन यहाँ लोग कमाते कैसे? चुटकी बजा कर। ऐसे मतलब? मान ले तेरे पास ना 10 रुपए का 1000 शेयर है, समझ रहा है? अब उनकी कीमत मार्केट में बढ़ के हो गई 100 रुपए, तो कितने का मुनाफा होगा? 90,000 रुपए। इसका 2% कितना हुआ? तो 1800। 1800 रुपए, ये मेरा कमीशन। चल निकाल मेरा कमीशन। अरे कमीशन कहाँ से है, मेरे हाथ तो खाली अभी। अरे तेरे हाथ भर जाएंगे भाई, जब तू ये शेयर निकालेगा मार्केट में तेरे हाथ भर जाएंगे। यहाँ मार्केट में तेरे को हमारे जैसे लोग मिलेंगे, वो बताएंगे कि कब तुम्हें खरीदना है, कब तुम्हें बेचना है, समझ गया बात को? अरे हम लोग अंदर तक घुसे होते हैं, समझे? एक भरोसे का ब्रोकर मिल जाए और मेरे जैसा सब ब्रोकर, बस समझ गया तू? चुटकियों में माला माल, चुटकियों में माला माल बाप। अंदर तक की बात मालूम होती है, क्या भी नहीं चलते हैं। हाँ कितना माल लगा रहा है? दरअसल मैं तो आपकी लाइन में नौकरी ढूंढने आया हूँ। चाय कैसे ला? अरे लेकिन चाय ऑर्डर ही कहाँ करी अभी? खाली पीने टाइम खुद कर रहा है यार तू। इतने पैसे हैं मेरे पास के चाय पिला दो। बड़ी मोटी चमड़ी भाई तेरी, हमारी लाइन में तेरे जैसा आदमी चलेगा, समझे कि नहीं? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? क्या मतलब? बड़े ब्रोकर के साथ काम करने में ज्यादा फायदा है। हाँ अपने ठाकुर साहब है ना, अरे बता, दलाशी के भाप लोगों में से एक है, उनका तो सब ब्रोकर तुम्हें भूख भी नहीं लगाएगा, क्या तो तुम बहुत सारा माल लेकर जाओगे उसके पास। मैं सीएम शाह के लिए काम करता हूँ, सब ब्रोकर हूँ उनका, पिछली 3 पीढ़ियों से वो लोग यही धंधा कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, ओके, जस्ट मीडियम साइज बिजनेस चल रहा बस। अच्छा ये खून किसके लिए दिया है? एक हरिचंद जी, कभी काम क्या करता था उनके साथ, बीमार बेचारे आजकल, क्या ऐसे लोगों की मदद करते रहना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें, कोई टेंशन? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि आपके हरिश्चंद्र जी की चुटकी ठीक से नहीं बजी होगी। कैसे समझाऊं? अरे भाई इसमें तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? ये है शेयर बाजार, और शेयर बाजार में पैसे ज्यादा अहम होता है आदमी की दी हुई जुबान, किया हुआ वादा, इसलिए तो बाहर वालों को चांस नहीं मिलता है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज है भरोसा, भरोसा चाहिए बस। आजा कहाँ बैठेगा, वहाँ बैठे कोने में, आया बैठते हैं, आया कौन है भैया? यस सर। आओ बस गुरु, आओ जरा। एक बात बताओ हरी भाई, तुम तो कितना जानते हो, फिर किसी और के लिए क्यों काम करते हो, अपने लिए क्यों नहीं करते? अरे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? अरे ब्रोकर बनना कोई आसान काम है? नहीं नहीं मैं, भैया मेरे ब्रोकर बनने के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा और बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों की रिकमेंडेशन। कोई क्लाइंट वापस क्यों आएगा बताओ, क्यों आएगा? अरे इसलिए ना, क्योंकि तुम्हारी ऊंचे ऊंचे लोगों से जान पहचान है। अरे लेकिन ये बेजानी को देखो, इसने भी तो बिल्कुल नीचे से शुरुआत की थी और आज देखो कहाँ पहुंच गया। अरे ऑर्डर सर, पहले खाने की बात करते हैं। मेरा तो मैसूर मसाला लिख ले, तू क्या ले? इडली। इडली एक बड़ा ले ले, सब इडली बड़ा जी, ठीक है बगप। ओके तो ये बेजानी जो है ना भाई, ये बहुत तेज चीज़ है, बहुत लंबा हाथ मारा है। ये कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारे शेयर बाजार के लोग हैं ना, ये चुटकियों में निकालते हैं इसको। अरे मार्केट का पैसा तो लगा रखा है इसने, अपने बाप लोग हैं ना ये जितना उड़ना चाहे
इसको उतना ही उड़ने देते हैं जितना वो अलाउ करते हैं। बस ये क्या है? ये बुलरन है और ये बेयर फेस। जब सब लोग खरीदते हैं तो उसे बुलरन कहते हैं और जब बेचते हैं तो बेयर फेस। हाँ अच्छा 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 तेजी बंदी ना। आई नो हाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं आज बात करता हूँ सीढ़ी से तेरे बारे में। तेरी नौकरी पक्की? अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पर मतलब आप मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? अरे तुझे भरोसा कौन कर रहा है, मैं तेरे सपनों में भरोसा कर रहा हूँ भाई। हाँ यू हार्ड वर्कर, मुझे मालूम है। अबे बजानी बनना कि बनना, पैसे कमाने हैं ना। हाँ शुरू में ईमानदारी रखनी पड़ेगी, समझ रहा कि नहीं? हाँ। नहीं तो पहले दिन धक्के मार के बाहर कर देंगे। नहीं 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 बुलरन होगा पहले ही। चल शुरू कर, शुरू कर। देखिए ठाकुर साहब ने कहा है कि। ठाकुर कौन जी? मतलब देखिए जुगाड़ सिंह, मैं ठाकुर को नहीं जानता, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ठाकुर और बाकी लोग जितना बड़ा ब्रोकर मैं नहीं हूं, उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, मैं तो नहीं गया ना। हाँ पर ठाकुर साहब के प्लान से तो। देखिए जुगाड़ सिंह जी, मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं है, मैं पसीना बहा सकता हूं, एसी की आदत मैंने अभी तक नहीं डाली है। हाँ अंदर आओ हरी आओ। नमस्ते शाह साहब, मानना पड़ेगा आपको, असली हीरे को हमेशा ढूंढ लेते हैं, ये आपका हरी एकदम हीरा है हीरा। ये कौन है? हाँ ये मेरे दोस्त है, काम सीना चाहता अपना। मैंने स्कूल खोल रखा है क्या? शाह साहब आप तो बड़े आदमी हैं, धंधे के बुजुर्ग हैं, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा सर। बंदा तो सच्चा लगता। नाम क्या है तुम्हारा? सुबोध, सुबोध मेहता ना। शाह साहब पसीना मैं भी भा सकता हूं, एसी की आदत मुझे भी नहीं है। ठीक है तुम एक काम करो, शाम को फिर बात करेंगे। विद्या, विद्या, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं सोचा था कि अभी हम यहां से भागकर। भागकर क्या? विद्या समझा करो यार, देखो हम दोनों भागकर। सुबोध क्या कह रहे हो तुम? अरे जल्दी फिर हो गया, तुमसे मिलने आ गए इसलिए, घर एक साथ चलेंगे। हाँ तो चलो ना। इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था लेकिन पता नहीं ना क्या भरोसा। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? अरे रिजल्ट आने तक कम से कम भरोसा तो रखो। हाँ अच्छा सुनो, पहले मरीन ड्राइव चले, उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग है वो निपटाकर घर चले। लेकिन प्लीज 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 आओ। थैंक यू। आओ अंदर अंदर। नमस्ते शाह साहब। अरे तुम सच में आ गए, बैठो बैठो। सर विद्या माय वाइफ यहाँ जर्नलिस्ट के जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, वो क्या है ना सर मेरा कोई परमानेंट काम तो है नहीं, इसीलिए इसे नौकरी करनी पड़ रही है। इसमें खराबी की बात क्या है, आजकल लड़कियां नौकरी करती हैं। हाँ सर वो तो है, पर शौकिया करे तो अलग बात है, पैसों की कमी की वजह से कर रही है, अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए तो मैं आपके यहाँ। सर नाम क्या बताया? सुबोध सर। देखो सुबोध मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, कर पाओगे? सर ये तो मैं भी करना चाहता हूँ। शाह साहब हरी भाई ने बताया कि आपके दो बेटे हैं, तीसरा समझकर मेरे भी सर पे हाथ रख दीजिए। ठीक है। देखो बेटा मांग में ना सिंदूर डाल लिया करो, मॉडर्न हो तो क्या सुहागन हो ना। जी थैंक्स विद्या, तुमने अंदर संभाल लिया। तो क्या मुझे सिंदूर लगाना पड़ेगा? अरे मैंने झूठ उनका विश्वास जीतने के लिए बोला था यार। सुबोध तुम उन्हें धोखा दे रहे थे। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा विद्या? हाँ मैं तो सिर्फ उनके दिल में सिंपैथी जगाने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी विद्या ना तो मेरे पास पैसे ना ही ऊंची पहुंच। हाँ अरे एसी को तो सेल्समैनशिप कहते हैं, क्या कर रही हो, बारी छोड़ी छाता खोलो यार, पागल हो गई हो तुम, पकड़ो इसे। विद्या
विद्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अच्छा मैं कुछ कहूँ? विद्या मैंने बहुत सारे सपने देखे और मैं इन सबको साकार करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना तब तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट मेरे इंटरव्यू लेने आएंगे। हो सकता है मुझसे सवाल करें या सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए ना, आप किसे शादी करना चाहते हैं, किसे प्यार करते हैं, तब मैं उन्हें सब खुल्लम खुल्ला बता दूंगा जो अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये पिंक छाता कहाँ से ले आता? क्रॉफर्ड मार्केट से ले आता। अच्छा, अरे हंस दो यार, हंस दो ना, हंस दो यार। नहीं नहीं हंसोगी, जाओ बाहर। अरे क्या बड़ा स्टाइल मार रही है, खाते भी नहीं आ रहा। ए अरे भाई गुड मॉर्निंग। क्या रे बैंगन बाजार सबोध, क्या चल? क्या रे अपना? हां सबोध। हेलो हाय सबोध, इसको नया लाया मार्केट में। क्या घर के कीड़े? हां क्या रे भाई, कैसा है? सब बढ़िया? हां बिल्कुल बढ़िया। फाइन, ये सबोध अपना मार्केट में बिल्कुल नया। अच्छा अच्छा, ख्याल रखना प्लीज। अरे बिल्कुल अच्छा, ओके। शर्म तो खत्म हो गया, लेकिन एक काजिक बात सुन आगे के लिए। हाँ। क्या है कि तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स है यहाँ पर, समझे कि नहीं? तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कौन से लॉबी का आदमी है, सब ख्याल रखना होगा। तीन कटिंग बॉस। हाँ भाई, लेकिन मुझे ये सब कैसे पता चलेगा? अरे सब पता चल जाएगा भाई, प्रैक्टिस, समझे कि नहीं? सब धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है, लेकिन यार शुरू में लो प्रोफाइल रखना, एकदम लो। सुन वो देख, अरे वो काले कोट वाला, काला कोट वो जो उसके हाथ में है, वो है हेमंत करमिंदर ठाकुर का सब ब्रोकर। ठाकुर कौन? अबे ठाकुर वो जिसकी गाड़ी के नीचे आते तो तू बच गया था। हाँ, हाँ, समझे? इस पर नजर रखना बॉस, ये जब बेचता है ना तो बेचने का तांडव होता है, एकदम तांडव। ठीक है, उसे देख लेफ्ट में, वो मूंछों वाला। कौन? वो है ना वो व्हाइट शर्ट वाला। हाँ, हाँ। ये वो है, तेरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, बुल ऑपरेटर। बुल ऑपरेटर, एकदम बिंदास खरीदता बॉस ये, समझे? ये अपने माधवानी का आदमी है। मधुनी कौन? अरे बीसीडी बैंक के चेयरमैन, उनका आदमी है, समझे? अच्छा, ये अपने भैजान भी उसी के साथ है। सब चाय। हाँ बेटा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, ये ले पकड़। अरे हरी भाई, शाम के वांदे के बारे में तो बताओ। वांदा? अरे रिंग के अंदर हम जो खरीदते हैं और बेचते हैं ना, हाँ। उसके हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को हम मार्केट की लिस्ट से ना टैली करते हैं, और जो लिस्ट टैली नहीं होती है उसे वांदा कहते हैं, वो शाम को डीलर होती है। तूने को झोल तो नहीं किया? अबे बता तो सही। पता नहीं, लोग इशारा कर रहे थे, मैं भी इशारा कर रहा था और लिख रहा था। ये क्या इशारा कर रहा था भाई? अबे कैसे इशारे कर रहा था? तू क्या काम से तू मरवाएगा? अबे ये तो बर्बाद देगा, मांदेगा, मांदा। पी 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 चाय, पी चाय, पी अभी, पी ले, पी ले, पी ले। पहले ही दिन वांदा, इसीलिए मैंने लोगों को नहीं रखता हूं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कोचिंग क्लासेस खोलने का। सर गलती होगी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार क्या? अब कोई अगली बार नहीं, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सर प्लीज सर, सर देखिए मैं गलती नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे सर? सर आपने तो मुझे अपनी फर्म में काम दिया है सर, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा सर। सर बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। आगे कुछ भी करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा सर, प्लीज सर। अगली बार ऐसा हुआ तो वापस मत आना, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्या सबूत? सब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। जा 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 जा। अब करना क्या होगा हरी भाई? अरे करना क्या होगा यार,
जिस ब्रोकर के साथ तेरा लफड़ा हुआ है हाँ। उससे कंप्रोमाइज करना होगा। और वो कौन है? हेमंत ठाकुर का आदमी। देख रही अपने ऐसा नहीं होता, और क्यों जाने दो, ये क्या मेरा सगे वाला लगता है? देख भाई गलती हो गई, जाने देना, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या इशारे कर रहा हूँ। तेरे को क्या लगता है हम लोग वहाँ पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? हरी समझा इसको, शेयर मार्केट है ये, लेने के देने पड़ जाएंगे किसी। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, वो छोटा सा वांदा है, ये लोग कह रहे हैं हम जाने दें। सर सर आप तो बहुत ही सीनियर आदमी है, मैं नया हूँ, मिस्टेक हो गई, वो मैं रिंग में था सर, किसी ने हाथ से कोई इशारा किया तो मैंने भी उसका जवाब दे दिया। तुम्हें रिंग में घुसने किसने दिया? सर मैं सीएन शाह के यहाँ ट्रेनी हूँ। ये सीएन शाह भी पागल हो गया है, किसी को भी रास्ते से उठाकर ट्रेनी बना देता है। अरे 20,000 रुपए के लिए ठाकुर साहब का टाइम खोटी क्यों करते हो? मैं हूं ना सर, आप चलिए मैं इस वांदे को निपटा कराता हूं। ये लो। थैंक यू। किसी दिन 20,000 ज्यादा रकम नहीं होगी, पर आज तो है। थैंक यू। थैंक यू। अजय ये लो। मुबारक हो। थैंक यू। किस बात की भाई? विद्या को टाइम्स एक्सप्रेस में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस मैम, अब तो आप जर्नलिस्ट बन गई हैं। थैंक्स। वैसे मुझे भी एक ऑफर मिली है पब्लिक सेक्टर कंपनी में, लेकिन खिलाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जॉब जैसे? कितना खिलाना पड़ेगा? 2,00,000। इतने रुपए कहाँ से लाओगे? बाबा के पीएफ से निकालने पड़ेंगे। और अगर 5 साल से पहले तुम्हें उन पैसों की जरूरत पड़ी तो? और जयंत रिश्वत देकर नौकरी? वही तो सोच रहे हैं। अरे सोचना क्या है यार, अब नौकरी चाहिए तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। बेटा कैसे हो? बेटा जयंत तुम कैसे हो? ठीक हो। नमस्ते बाबा। नमस्ते। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? अंदर आओ। जी अच्छा आओ आओ। बाबा मैं कह रहा था कि आज के जमाने में कुछ भी करके पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, पर आपकी बेटी को तो ये गलत लगता है। वो समझती नहीं ना, आदर्शवाद, आदर्शवाद से कुछ हासिल नहीं होता है, ये दुनिया नहीं चलती है। ये बात जब तक मेरी समझ में आई सारे मिल्स बंद हो चुके थे। आखिर आदमी अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो जीता है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा किस लिए काम करता है वो? तुम खूब पैसे कमाओ और शादी भी करो। हाँ बस पापा बहुत हो गया, बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग भी घर जाओ। अच्छा बाबा चल। अच्छा चल। सुबोध कितना अच्छा लड़का है ना, मुझे पता है वो तुझसे ही शादी करेगा, और मैं भी यही चाहता हूं, मगर मैं अभी कुछ फिक्स नहीं कर सकता। एक बार मेरे से रुके हुए पैसे मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़ाई हार चुके हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ हो जाए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं और जीतना चाहते हैं। ये क्या है सुबोध? हाँ हर दूसरे दिन एक नया मेमो, मार्केट में रोज कोई ना कोई कंप्लेन, बात क्या है आखिर? सर मैं तो पूरे जोश के साथ काम करता हूँ, कभी कभी घाई में बुक स्टाइली करने में गड़बड़ हो जाती है सर, और सर लोग उसी का फायदा उठाते हैं, लेकिन सर इसमें नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि जो प्रेमी की शेयर्स वो लेने से मना करें सर वो ऊपर जाने वाले हैं। अगर अपने पे इतना भरोसा है ना तो खुद उठा लो। सर चाहता तो मैं भी यही था सर। सर आप मेरी गारंटी देंगे सर? प्लीज सर मैं अगली सेटलमेंट डेट से पहले आपके पैसे लौटा दूंगा सर, प्लीज सर। हाँ ठीक है ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो काम पे वापस मत आना, समझ गए? नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू सर। क्या प्लान है? प्लान ये है कि 15 दिन में सेटलमेंट वाली बात का फायदा उठाना है, पहली तारीख को चढ़ता हुआ शेयर उठा लो, 14 तारीख तक दाम बढ़ने दो, फिर बेच दो, जितनी बढ़त हुई वो अपनी अपनी जेब से, कुछ देना तो है नहीं, बस लेना ही लेना है।
क्या बात है, बड़ा इंटेलिजेंट है मेरा भाई, बड़ा समझदार है। एक प्रॉब्लम है लेकिन। क्या? ये कि अगर 15 दिन के अंदर शेयर नीचे आ गए तो। हाँ हाँ प्रॉब्लम। बात सुन, मैं ठाकुर कैंप हो गया हूँ। नहीं नहीं प्लीज। अरे टिप लेके आता हूँ वहां से। टिप? बात को समझा कर भाई तू। अरे इसमें कोई टिप की जरूरत नहीं है यार, मैं कोई जुआ थोड़ी खेल रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं ये टिप की धमपी नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस कंपनी की अच्छे से स्टडी करी है, ये अमेरिकन स्टाइल का रिसर्च है। हाँ ये अमेरिकन शेयर बाजार में लोग पैसे हारते नहीं है क्या? कैसे हो गिरीश भाई? अरे कैसे सूरज, और शेयर बाजार कैसे चल रहा है? सब ठीक। गिरीश भाई आपसे जरा 2 मिनट काम था। बोलो। जरा गिरीश भाई, आप प्राइमरी ऑटोमोबाइल्स में किसी ट्रेड यूनियन वाले को जानते हो? क्या बात है, क्यों बुला रहे? हरी भाई प्राइमरी ऑटोमोबाइल खरीद लो। प्राइमरी क्यों? सवाल मत करो, मेरे पास टिप है, ले लो। अबे हाँ हाँ ले लो। अबे सुन, दिमाग तो ठीक है ना? ले लो, ले लो। हाँ ले भाई। हाँ हाँ हाँ। क्या हीरो, ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंट? अबे कहाँ गई तुम्हारी वो रिसर्च, धरी रह गई ना? अंदर एक बंदा नहीं है जिसने प्राइमरी ऑटोमोबाइल पर हाथ रखा हो, एक बंदा नहीं है, मरवा दे गरीब को। हरी भाई सब्र रखो यार। अबे सब्र रखो, ये करता ऊपर से कूद मरो। अबे सब्र रखो, अजीब बात करते हो यार। क्या हीरो, आना पड़ेगा बॉस। अरे सॉरी यार, तूने गुरु मुझे गलत सिद्ध कर दिया। अरे हरी भाई कैसी बात कर रहे? अरे तेरी वजह से खूब कमाई हुई यार, कितना माल काट लिया? 15,000 रुपए पहले महीने में। जश्न हो जाए बॉस, जश्न हो जाए। ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तू कभी गया नहीं हुआ। अरे कहां ले जाओगे? सुनो, इस 15 तारीख को जो प्राइमरी का शेयर है ना, उन्हें बुक कर लेते हैं। अभी नहीं हरी भाई, खबर है कि बेजानी प्राइमरी खरीदने वाला है। क्या बात कर रहा है? बेजानी का हाथ लगते ही शेयर छलांग तो मारेगा ही। 100% मारेगा। अपने शेयर की मस्त कीमत मिलने वाली है अगले कुछ दिनों। रिपीट, बस रिपीट करना इधर। प्राइमरी ऑटोमोबाइल्स भेज देना चाहिए। करेक्ट। और इसके बदले में क्या लेना चाहिए? एबी स्मिथ्स खरीद लेना चाहिए। 100%। और कितना माल काट लिया इस बार? बता ना। 1.5 लाख रुपए। कमाल कर दिया, ऊपर देखो। हरी भाई आओ काउंटर की तरफ चले। हाँ चलो। कैसे हो भाई? कुछ पता चला क्या? वहाँ ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। तुम्हें ये प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन किसने दी? तीसरे आके भाई के पास, कसम से, आई स्वेयर। नहीं नहीं, कुछ मैगजीन और अखबार पढ़ता हूँ, वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अखबार से? ठीक है, पर अखबार पर ज़्यादा भरोसा करना। क्यों 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 क्यों, क्या हुआ? ये बाजार है ना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खबर किसी अखबार वाले को नहीं होती, और जिस दिन वो बदल गई ना, तुम्हें अपनी तीसरी आँख खोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या समझे? तू डर गया क्या? चलो चलो आओ, चलो कम ऑन, कम कम चलो। Thank you.
कुछ नहीं हरी भाई, होता है। देखो मार्केट में सब कुछ डेली डीलिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये तो हमें मालूम है ना कि ये शेयर चढ़ा वो गिरा। बाहर वालों को बस ये पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री से पैसा कमाया जा सकता है, फिर अगर चढ़ते हुए शेयर के दाम बढ़े भी ना तो भी वो उसे खरीदेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि दाम बढ़ेगा। हाँ, और फिर मार्केट की तेजी डिपेंड करती है बाहर वालों की गर्मी पे, लोगों को बाजार कैसा दिखता है इस पे। हाँ नहीं रहने दो, मैं देता हूं। अरे रहने दो ना यार, मैं देता हूं। शेयर का काटना, काटना मतलब? अरे ये जो बाप लोग होते हैं ना, ये बड़े लोग, ये किसी भी कंपनी के भाव गिराने की खबर फैलाते हैं, बस लोग अपने अपने शेयर बेचने लगते हैं, शेयर नीचे आते हैं। पर इससे किसी का फायदा थोड़ी है। इसमें तेरे प्लान का बिल्कुल उल्टा होता भाई। मतलब गिरे हुए शेयरों को मार्केट में भेज दो, शेयर और गिर जाएंगे तब उनको सस्ते में खरीद दो, तो उसके बाद डिलीवर कर दो प्रॉफिट। अरे तुम्हारा हुआ ना। तुम तो बिना पैसों के शेयर खरीदते हो, वो बिना शेयरों के शेयर बेच देते हैं। वो क्या करते हैं तुम्हारी स्टाइल में, वो बियर प्रॉफिट। क्या बियर ऑपरेटर? बियर ऑपरेटर, बियर ऑपरेटर। ये ठाकुर बाप है सबका बाप। ये ठीक नहीं है, गलत है। अरे खरीदने से मार्केट में तरक्की होती है, पर इस तरह की बियर हार्मिंग से बस चल लोगों का फायदा हुआ है ना, मार्केट तो क्रैश हो गया ना, सबका नुकसान हुआ है। ये समोसे गरम है। अरे भाई क्या कर रहे हो, सन्नर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अरे चलते हैं वहां बैठ के खा लेंगे। अरे भाई देखो लेके चलते हैं ना, खा लेंगे, रखो भी। अरे वेरी नाइस। अरे गरम गरम, ये बड़ा तो ले लो बड़ा। अरे भाई प्लीज। आने वाले सालों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, लोगों की आशाएं बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। मैं यही कहूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक कंपनी के फंडामेंटल्स को पूरी तरह से चेक कर लें, उसे जांच लें, परख लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू। वी विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। सर एक सवाल, जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, सर स्पेंसर पॉलिमर्स के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड लगातार इनके शेयर्स बेच रहा है, ऐसा क्यों सर? सवाल स्पीकर की स्पीच के बारे में होना चाहिए, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। अबे तू मरवाएगा यार। क्या? अबे कहीं भी मुंह खोल देता है, पर 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 बोलना है बस। मुझे थोड़ी पता था कि ठाकुर बीच में बोलेगा। अरे ठाकुर क्यों नहीं बोलेगा, ठाकुर राजा भैया यहाँ का, देखा कहाँ गद्दी बैठा था ऊपर। मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा पता किया था तो मैंने सवाल किया। वो सब ठीक है लेकिन संभाल के चला करो यार, कितनी बार बताऊं तुम्हें। मतलब कुछ बोलो ही नहीं। अरे बोलो यार, किसने मना किया कि तुम मत बोलो? एक्सक्यूज मी सर। देखो यंग मैन, आज की मेरी स्पीच में मैंने वही बयान दिया जो होना चाहिए, वही आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि मैं एक बैंक का चेयरमैन भी हूं, वहां मुझे अपने इन्वेस्टर्स के हित के बारे में सोचना पड़ता है, और वहां पर थियरी के सामने हालात और मजबूरी का पलड़ा भारी हो जाता है। एनीवे ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। एनीवे ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ अरे ऑल द बेस्ट टू यू यार, अबे जादू कर दिया क्या? मैं ना कहता था ये समझदार आदमी है। चलो और ठाकुर उसकी बात मत करो यार। ले कितने दिनों के बाद मिल रही हो काकी? अरे विद्या बेटी, मैं तो घर में ही रहती हूँ, तू बहुत बिजी हो गई अपने काम में, मेरे सुबोध के जैसे। अरे मिला था तुझे बीच में? नहीं तो, और वैसे भी मैं देर तक ऑफिस में रहती हूँ। काकी शरबत अच्छा है।
और ग्लास भी अच्छा है। अरे नया है ना, सुबोध ने हमारे घर के लिए बहुत सारा सामान लाया है और अपने बापू के लिए 2-in-1 भी खरीदा है और मेरे नाम पे 25,000 रुपए रखे हैं बैंक में। अभी देख बेटी, अभी मैं उसको बोलती हूँ बेटे शादी कर ले, वो मानता ही नहीं। अच्छा काकी अब मैं चलती हूँ। अरे पेसने, कितने दिन के बाद मिल रही है तू? और तुझे पता होगा ना, हमने घर लिया है मगर चाल में किसी को बताया नहीं है। अरे किसी की बुरी नजर लगे तो? तुझे ही बता रही हूँ, हमने फ्लैट लिया है। मुझे तो पता ही नहीं था काकी, बधाई हो आपको। क्या चल रहा है? जयंत यही देख रहा। वैसे इधर आई, अब आपकी बारी है। हाँ मुझे जयंत ने सुबोध और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। शादी तो हो गई, अभी मैं अभी आई। अभी आना चल। ओके विद्या। हाँ बहुत दिनों बाद मिले ना, ऑफिस में बिजी रहती हूँ ना इसलिए। हाँ। विद्या बिटिया। हाँ हाँ बाबा। क्या? एक मिनट जरा इधर आना प्लीज। क्या विद्या, क्या है ये? देखो मन में कुछ सवाल है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो लड़ो मुझसे। पर कैसे सवाल, क्या प्रॉब्लम सुबोध? कल हम लोग नए घर में रहने जा रहे हैं। हाँ काकी बता रही थी। ओह कॉन्ग्रेट्स आरती। विद्या क्या, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी। मुझे पता है बाबा, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, बहुत सक्सेसफुल होना है ना? हाँ, और इसके लिए मुझे अपना सारा समय काम में ध्यान देने के लिए लगाना पड़ता है। देखो बस कुछ टाइम की बात है, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। वक्त? तुम्हें मेरा वक्त चाहिए? लेकिन सुबह तुम्हारा वक्त कभी मेरा था ही नहीं, जो तुम मुझसे मांग रहे हो। और मैं कहां तुमसे कुछ कह रही हूं। विद्या मैं बहुत जल्दी आऊंगा अपनी हैसियत बना के और ये सारी बातें करूंगा तुमसे, बस उस दिन ऐसी दूरी मत दिखाना प्लीज। विद्या अब आओगी? किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत और लगन लगती है, लेकिन जिन रिश्तों के लिए कोई मेहनत ही नहीं की उनसे हम कोई उम्मीद भी कैसे करें? सुबोध हरि आज से अपने साथ काम नहीं करेगा। लेकिन शाह साहब हुआ क्या है? मेरा मतलब हरि ने तो मुझे कुछ। तुम वो सब छोड़ो, सिर्फ काम संभालो। ए सुबोध कैसा है तू? अरे यार तुम हो कहाँ? ओश मैं ब्रोकर बन गया। क्या? अब सुन मैं तुझसे कह रहा था, तू मेरे साथ काम क्यों नहीं करता? छोड़ना सीएन साहब को यार। हरी तुम तो कहते थे ब्रोकर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, रिश्तेदारी, पता नहीं क्या क्या चाहिए, ये लफड़ा क्या है? लफड़ा मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट के बाप लोगों ना मेरी काबिलियत नजर आने लगी है, इसलिए जुगाड़ सिंह के कहने पर ठाकुर साहब ने मुझे लाइसेंस दिलवा दिया। बस एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए उन्हें मेरी जरूरत थी। एक महायुद्ध, बाप लोगों के बीच घमासान, जब ही हो जाएगा ना तो हम लोग इंडिपेंडेंट, कसम से कह रहा हूँ। श्योर? क्या ये युद्ध बिजानी के खिलाफ होने वाला है? अरे तुझे नाम से क्या लेना यार, देख हमारी जोड़ी बहुत चमकी, डन कर। देख हरी मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तू उन लोगों का साथ दे रहा है जो अपनी जेब भरकर मार्केट को तबाह कर रहे हैं, और ये तू भी जानता है। देख भाई तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी। स्पेक्युलेटर्स अपना पैसा वहां लगाते हैं जहां उन्हें भारी मुनाफा दिखता है, पर जितना बड़ा मुनाफा चाहो उतना ही बड़ा रिस्क।
उस दिन जैसे कुछ अनदेखी हाथों ने इशारे किए कि बेचो, मार्केट बस 15 ही मिनटों में गिर गया और उसी के साथ पैसा लगाने वालों की उम्मीदें। कहते हैं कि शेयर बाजार एक जंगल है, छोटे छोटे लोगों की उसे कोई परवाह नहीं, जिसके पास दम है वही टिकेगा, नथिंग पर्सनल अबाउट इट। वो क्या है, कुछ लोगों को लगा इस बार खरीदारी का मौसम कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, बस मौसम का रुख बदल गया। पर ये लोग होते कौन है ये फैसला करने वाले? बहुत ऊंचे लोग जिन्हें तुम जैसे छोटे आदमी की बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। कोई मुझसे पूछे मैं तो कहूँ साफ साफ भैया मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे पूछो उससे जिसने दुनिया बनाई है। क्या है मजमा लगा है मजमा, अब तमाशा देखो, वेट एंड वॉच। तुम लोग चलो मैं आता हूँ। देख सुबोध, मैंने तुझसे पहले कहा था ना युद्ध होगा, महासंग्राम, ठाकुर के आदमी शेयर्स बेच बेच के काट रहे हैं बाबा। लेकिन क्यों? भेजानी का एक शेयर बॉन्ड निकल रहा है, बॉन्ड इशू, जब मार्केट नीचे रहेगा तो बॉन्ड खरीदेगा कौन? फूस हो गया ना एकदम। अरे पर इस तरह की हैमिंग से तो सबका नुकसान हुआ यार, मेरा 10 लाख घुस गया है हरी। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना सुबोध कि ये बड़े लोगों की बड़ी लड़ाई है, इसके बीच में मत घुस। तू दिल पे मत ले यार। देख क्या है, दूसरों की लड़ाई में ना हमारी जीत होती है ना हमारी हार, पर नुकसान तो अपना ही होता है ना। लीजिए चाय लीजिए। सर ये हमारे घर के कागज हैं और ये कुछ सोने के गहने हैं। साहब यही हमारा सब कुछ है, आप तुम्हें रख लो, बाकी का पैसा ये धीरे धीरे चुका देगा। इसे मुझे मत दो, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे पैसा लौटा सकते हो ब्याज के साथ। पर भाई तमें आने जानते ही होगे कि बहुत जल्दी मचाता है, सोचता नहीं। माना कि अभी जवान है, जोशीला है, लेकिन इस सब के बाद मैं इसे अपने नाम पर शेयर बाजार में नहीं भेजूंगा। सुबोध तू क्या हुआ? कुछ पैसे दे सकता है? हाँ हाँ, पर हुआ क्या बोलना। बाबा नहीं रहे। कल रात अचानक ही हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही हॉस्पिटल ले जाते नहीं तो पैसे नहीं होते। ऐसे मत बोल यार। मैं चाय लेके आती हूँ। सब ठीक हो जाए, तेरी हालत तो देख। मैं ठीक हूँ यार, अभी बहुत इंतजाम करने हैं, अभी रोने का भी टाइम नहीं है। पंद्रह हजार दे सकता है?
प्लीज बहाने बंद करो, मेरा काम तो चल ही रहा है ना। शादी की क्या जल्दी है, शराब पीने से तो मेरी शादी नहीं हो जाएगी। और डॉक्टर ने क्या बोला है आपको, बंद कीजिए ना। बस मेरी बहन के गहने संभाल के रखना, मैं इन्हें छुड़ा ले जाऊंगा। बाकी के गहने और ये दोनों रेडियो भेजने हैं। डियर इन्वेस्टर, मैं सुबोध मेहता शेयर बाजार का एक ट्रेडर हूं। मेरी नई कंपनी ग्रो फर्दर एक ऐसी कंपनी है जो आपकी बचत को पूंजी में बदलने के लिए आपकी मदद करेगी। आप लोग जो पैसा बचाते हैं वो पैसा सिर्फ बैंकों में पड़े रहता है, पर आपके पैसों में पूंजी बनकर और पैसा कमाने की ताकत है। उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसमें हम आपकी मदद करेंगे, हम आप तक सही रिसर्च और इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जिसका आधार होगा हमारा गहरा अनुभव। हम चाहते हैं कि नए इन्वेस्टर्स शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हों और अपने पैसे को शेयर्स में लगाएं, ताकि वो न सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाएं पर साथ साथ देश की उन्नति में भी शामिल हों। ए सुबोध, कैसा है? अरे जयंत, कैसा है यार? बस फर्स्ट क्लास। इतने दिनों के बाद? हाँ, आना आना, प्लीज प्लीज बैठना। वैसे काफी पॉश ऑफिस बनाया तूने। हाँ, नए क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए ये सब करना पड़ता है यार। क्या है ना, मैं शेयर्स ही नहीं सपने भी बेचता हूँ। सपनों के सौदागर का ऑफिस ही फटीचर हो तो कौन आएगा। अरे बेचाने की तस्वीर। हाँ, सक्सेस हो तो ऐसी हीरो है अपना। तू तो बड़े बड़े सपने ही देखता है। विद्या से बात की? सुना है उसके पापा की तबीयत खराब है आजकल। यार सोच रहा था कि लाइफ में एक लेवल पे आ जाऊं, फिर विद्या को चौल से निकाल के एक बेहतर जिंदगी शुरू करूंगा, पर अभी तो खड़े होने की स्ट्रगल चल रही है। उसके पास जाऊं भी तो कैसे? काय रे बोरा, कुठे होता इतने दिवस? अंदर क्यों खड़ा है? अंदर नहीं जाएगा क्या दूसरे लोग जैसा उछल कूद करने को? ताई मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे इन लोगों ने जात बाहर कर दिया है। जब तक मैं प्रायश्चित नहीं करता ना, मेरी एंट्री बंद है। भैया भैया, अब ये प्रायश्चित कैसे करेगा रे तू? जब मैं खूब सारा रुपया जमा कर लूंगा ना, तब ये लोग मुझे अंदर ले लेंगे। बाप रे बाप। हरी भाई। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। क्या बाबा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। अच्छा ताजा खबर बताओ। अच्छा बात सुन। हाँ। देख, ये मामला क्लियर है ना ऊपर वाला? हाँ। और आ रहा पता नहीं बाबा। ठीक है, और जेडी अपना कल क्लियर हो जाएगा। अच्छा डीसीसी खरीदा? डीसीसी नहीं तो क्यों, अबे वो तो 50 रुपए ऊपर चढ़ गया ना। क्या है यार, मैंने बोला था ना खरीदने को। अरे 50 रुपए बढ़ा तो क्या, और बढ़ने वाला है वो। देख सुबोध, तू समझ रहा बात को। देख तू खेल, लेकिन मार्केट को समझ के खेल भाई। मार्केट मंदा चल रहा है यार, समझे? कोई भी खरीदो तैयार नहीं। तू खरीदने की बात कर रहा है, लोग खरीद रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक काम कर, पार्टी से पहले लिखवा ले कागज पे, पैसे मिल जाने चाहिए पूरे, बाद में प्रॉब्लम नहीं, कोई लफड़ा हुआ तो। देख रही, मैं तुझे अपना प्लान नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरा प्लान तेरे सामने है। कोई सीक्रेट नहीं है यार, मैं तेरे थ्रू तो डील कर रहा हूँ यहाँ पे। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो बोलूँ खरीदने को वो खरीद, प्लीज। यार सुबोध, तुमने तो कहा था कि मेरे पैसे डबल भी हो सकते हैं। मिस्टर थॉमस, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। हाँ तुम तो हो,
लेकिन मेरा पैसा तो अभी भी। सर आप देखिए, दो महीने इंतजार कीजिए, बारिशों का इंतजार कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मेरी सारी बातें सच हो जाएंगी, सिर्फ दो महीने इंतजार कीजिए आप। लेकिन यार सुबोध। एक मिनट। हेलो। हेलो सुबोध जी, सारे शेयर्स बेचने हैं जी। प्रकाश जायसवाल बोल। ठीक है, देखिए अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं खरीद लेता हूँ। क्यों? लेकिन आपको वापस उतना ही मिलेगा जितना आपने लगाया है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था आपको 40% तक फायदा हो सकता है अगर आप बारिशों का इंतजार करें तो। अब आप रिस्क तो लेना चाहते नहीं, इसलिए आपका पैसा है, आपकी मर्जी सर। जी थैंक यू सर। हाँ थॉमस साहब, आप अपने शेयर्स अभी बेचना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तो बस यूं ही। कल पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने देश में आर्थिक बदलाव को जल्द से जल्द लाने पर जोर दिया। उनके इस लिबरलाइजेशन के मुद्दे को उठाने वाली बजट स्पीच का प्रभाव आज देश में कई व्यवसायों पर पड़ा। शेयर मार्केट में आज सुबह से खुशी की लहर छा गई और सेंसेक्स ऊपर चढ़ा। क्या हीरो? क्या अब कुछ मत बोलो, बस आगे आगे देखते जाओ। ओके बस सही करो, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा तू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम माया, मैं आपकी फर्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे साथ काम करें? मैं आपके कहने से पहले मान गई, बस इतनी सी बात है, आपको मेरी जरूरत है। नहीं नहीं, देखिए मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मुझे एम्प्लॉयज की क्या जरूरत? ये फायदे का सौदा है और आपको फायदे और नुकसान की बहुत समझ है। आप तो मिस्टर वोरा की बेटी है ना, आप अपने पापा के साथ क्यों नहीं काम करती? उनके साथ काम करती हूँ और एक दिन उनका बिजनेस भी मेरा होगा, लेकिन उनका काम करने का तरीका पुराना हो चुका है। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्टॉक मार्केट में लड़कियों को सीरियसली नहीं लिया जाता। चलिए हमारे बीच कुछ सिमिलरिटी तो है, वैसे यहाँ मुझे भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। आपके पास एक नया और डायनामिक नजरिया है मार्केट को देखने का, अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है। हाँ लेकिन आपके पिताजी आपको मेरे साथ काम करने देंगे? इतनी आसानी से तो नहीं करने देंगे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। और बिना किसी गारंटी मैं आप पे भरोसा कैसे करूं? मत कीजिए, लेकिन आप मेरे जोश को नहीं नकार सकते। और ये भी मत भूलिएगा कि इन सब लोगों में आपके इस नायाब तरीके को पहचानने वाली सबसे पहले मैं थी। चलिए ठीक है, ऐसा कीजिए आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए, मेरा एड्रेस है 26B। मालूम है। थैंक्स। थैंक यू। हेलो बेबी। अरे विद्या कैसी हो? अच्छी। आज टाइम मिला है तुम्हें घर आने को, बहुत काम करती हो। और सब कैसा चल रहा है, मेरा मतलब सुबोध के साथ? मुझे खुद नहीं मालूम, पहले मैंने उसे दूरी रखी क्योंकि वो कामयाब हो रहा था, कहीं उसके घर वाले ये ना सोचें कि मैं उसकी कामयाबी का फायदा उठा रही हूं। आज वो मुश्किल में है और मैं उसकी मुश्किलों को नहीं बढ़ाना चाहती। पर विद्या मैं तो आज भी यही कहूंगा कि तुम दोनों को खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन कहां कभी हम दोनों के बीच में खुल के बात हुई है, कभी भी उसने मुझसे साफ साफ कुछ नहीं कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों के बीच कभी कुछ सीरियस था ही नहीं। ये बात गलत है विद्या, मैं तुम दोनों को जानता हूं, तुम्हें जाके मिलना चाहिए उसे। अरे वो जाके क्यों मिले उन्हें, सुबोध भैया क्यों नहीं आ सकते? वो बात नहीं है, मैं उससे मिलूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं मिस्टर सुबोध से मिल सकती हूँ? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी, आज की मीटिंग कन्फर्म है। थैंक यू। तो आप भी नित्यम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं? नो थैंक्स। बाय द वे, क्या आपको पता है कि नित्यम केमिकल्स के प्लांट की वजह से आसपास के 20 गांव का पानी प्रदूषित हो गया है और इस कंपनी के खिलाफ अब तक 18 PILs दर्ज हैं?
इस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इसका प्रोफाइल अच्छा है, जो शेयर्स चढ़ते हैं उन्हें खरीदने की सलाह हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अपने क्लाइंट्स को फायदा पहुंचाना हमारा काम है। इसके बीच ये गांव कहां से आ गया? अरे कार्तिक, वो लेटर टाइप हुआ कि विद्या आराम बाहर की बैठी हो। सुबोध, मिस्टर तुरकिया एक्साइज ऑफिस से मिलने आने वाले हैं। उन्हें बैठाओ प्लीज। आओ ना, सुना है बहुत मशहूर रिपोर्टर बन गई हो, आओ ना। थैंक यू। वाकई विद्या, तुमने अपने टर्म्स पे सक्सेस हासिल की है, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स टू यू टू सुबोध, इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर पाना आसान काम नहीं है। हाँ, पर एक्चुअली मैं भी तुमसे आके मिलने ही वाला था, पर काम में ऐसा उलझा हूँ कि निकल ही नहीं पाया। बस बारिश का वेट कर रहा हूँ, बारिश टाइम पे आ जाए तो मेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी। पापा कैसे हैं? पापा अब नहीं रहे। आई एम सॉरी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। जिस तरह से वो पीते थे, इट वॉज एक्सपेक्टेड। सुबोध, सॉरी मिस्टर तुरकिया वेट नहीं कर सकते। वैसे सुबोध, मैं अब उस चौल में नहीं रहती हूँ। पापा के पीएफ से जो पैसे मिले थे उससे एक फ्लैट ले लिया है। लो, तुम्हारी बारिश भी आ गई। मैं चलती हूँ। विद्या, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। मैं खुद चलना पसंद करूंगी, पहली बारिश जो है। कामयाबी के लिए फोकस की जरूरत होती है। फोकस का मतलब उन सारी चीजों को नजरअंदाज करना जो शायद उस कामयाबी को हासिल करने के रास्ते में अड़चन बने। आपकी उन्नति की वजह से जाने या अनजाने में अगर किसी को कोई ठेस पहुंचती है, उसके लिए आपकी महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि महत्वाकांक्षा ही तरक्की की सीढ़ी है। बिना वजह गिले शिकवे करके हमें आर्थिक उन्नति के रास्ते में नहीं आना चाहिए। पिछले डेढ़ महीने की मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार और असम जैसे राज्यों में फसल बहुत अच्छी रही। पिछले 11 सालों में फसल की तादाद पिछले कुछ सालों से 3 गुना ज्यादा है। मुझे अभी तक एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली है। कल की मीटिंग का क्या हुआ? I'll do it, sir. Please go and do it now. Please, yes. अरे जुगाड़ सिंह जी, आप सुबोध कैसे हैं? भाई बधाई हो, भाई बधाई हो। भाई अपने बल पे इतनी तरक्की करने वाले को मैंने तो इससे पहले मार्केट में कभी नहीं देखा। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। आइए ना, अंदर चलते। सुबोध, ये है आकाश। आकाश पारेख, मैंने बताया था। हेलो सर। हेलो, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। I'd really like an opportunity. लेकिन मेरे यहाँ क्यों? सर, आपके काम में एक विजन है, एक लॉन्ग टर्म प्लान। बाकी तो सिर्फ आज के फायदे के बारे में सोचते हैं। वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह बंदा बिल्कुल सच्चा लगता है। ठीक है, कल से ऑफिस आ जाओ। थैंक यू। इट्स ओके। आइए आइए बैठिए। कहिए क्या डील है?
सीधा पॉइंट पे आ जाते हो, अच्छी बात है। अपने दिमाग से इतना कुछ तो तुमने हासिल कर लिया, पर इन छोटे छोटे क्लाइंट के सहारे ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाओगे। भाव थोड़ा नीचे आया नहीं कि सब के सब भागेंगे मार्केट से, इसलिए अब तुम्हें बड़े क्लाइंट्स को पकड़ना चाहिए। बड़े क्लाइंट्स जैसे? जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के ट्रस्ट वगैरह। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं के पास है। ये लोग तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। अरे तो मैं किस लिए हूं? बस तुम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करो, मीटिंग मैं फिक्स करवा दूंगा। देखिए बात प्रेजेंटेशन से नहीं बनेगी, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, बस किसी बड़े प्लेयर का सपोर्ट चाहिए। मुझे कौन सपोर्ट करेगा? क्यों, बोरा साहब सपोर्ट नहीं करेंगे? अरे भाई तुमने अपने आप को प्रूव किया है, और फिर माया बेटी भी तो तुम्हारे साथ है। अरे अब बताओ भी, क्या कहा पापा से? मैंने उन्हें कहा था हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। अरे इतने शॉक क्यों लग रहे हो? मैंने ये बात उन्हें सिर्फ मनाने के लिए कही थी, नहीं तो वो थोड़े ही मुझे किसी अनजान आदमी के साथ काम करने देते। मैं उन्हें सच बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा उनसे बिजनेस को फायदा है तो चाहे तो बाद में बोल देंगे कि ब्रेकअप हो गया, सिंपल। आई एम इम्प्रेस माया, तो क्या अब मैं तुम्हें ग्रो फर्दर में पार्टनरशिप ऑफर कर सकता हूँ? तो जब ब्रेकअप होगा उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। वो तो मेरा हक बनता है। और क्या ये ब्रेकअप जरूरी है? मैं उतनी बुरी भी नहीं हूं। इज इट विद्या? देखो सुबोध, विद्या अच्छी लड़की है, पर क्या वो तुम्हारी अभी की जिंदगी में फिट हो पाएगी? तुम फैसला करने से पहले सोच लो, मैं इंतजार करूंगी। 2.6 is 2.8, 0.5 is 7.1, 4.2. So we have 3 going up and 4 going down. Akash, dikhao. सब क्यों खरीद रहे हो? सरकार ने हजारों तरह की लाइसेंसेस और बंदिश बना रखे हैं, जिनके दायरे में रहकर ही ये कंपनीज काम कर सकते हैं। यहां से आयात मत करो, वहां से पैसे मत लो, और पता नहीं क्या क्या। पर अब ये सब बदल रहा है। लिबरलाइजेशन से हमारे देश की इंडस्ट्रीज में एक नया जोश आ रहा है, और कुछ ही दिनों में आप शेयर मार्केट में ऐसा बूम देखने वाले हैं जिसके सामने आप लोगों के सपने कहीं छोटे ना लगे। इसीलिए ये वक्त सिर्फ खरीदने का है, बेचने का नहीं। इसे अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर शामिल करना। अब प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइस से फोन आ गया है। आओ मां। कितना बड़ा मकान है, काश तेरे पापू आज ये सब देख पाते। मां आओ बैठो मां। और शैला भी तो है, चाहे तो यहीं घर बसा ले। अरे दीकरा, तू तो हमेशा दूसरों की सोचता है, तारी सोच तेरी शादी का क्या? वो भी हो जाएगी माँ। बस श्रीनाथ जी, हमारी खुशियां बुरी नजर से बचाएं। इस शेयर बाजार के बूम ने नाक में दम कर दिया है। ये सब उस सुबोध की करतूत है, कमख्त मसीहा बना फिर रहा है। उसके लगातार खरीदने की वजह से हम मार्केट नीचे लेके नहीं आ पा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे सारे क्लाइंट्स उसकी तरफ जा रहे हैं। सुबोध तो लोगों से यह भी प्रॉमिस कर रहा है कि उसकी स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट और इंडस्ट्री दोनों को एक नई एनर्जी मिलेगी। बेवकूफ है वो लोग, उन्हें क्या लगता है कि मार्केट उनके रिसर्च के मुताबिक चलती है? मार्केट की सारी किताबें हमारे हाथों में है,
इस सुबोध के चैप्टर को बहुत जल्द निपटाना होगा। सर ये इतना आसान नहीं है। है, आसान है। सुबोध के पास खुद की फंडिंग नहीं है, सारे पैसे क्लाइंट्स के हैं। एक बार भाव गिरा नहीं कि सारे क्लाइंट्स भाग जाएंगे। हम सही मौके पर वार करेंगे। और ये सही मौका आएगा कब? हमारे दिल्ली के सोर्सेस बताते हैं कि इस बार बजट बहुत बुरा होगा। बजट आने के ठीक कुछ दिन पहले हम लोग हैमर करेंगे और माहौल को इतना गर्म कर देंगे कि एक बार ये बुरा बजट आएगा तो सुबोध मेहता उठ नहीं पाएगा। सुबोध भाई, वो लोग सारे शहर से हमर कर रहे हैं, दाम गिर रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, हमें और खरीदने की ताकत नहीं है। दाम बढ़ सकता है। हाँ, इस समय बेचना ठीक रहेगा। पूरा लॉस कितना है? 1.5 करोड़। सुबोध के हम मतलब क्या है, सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, पिछले 2 साल में जो कमाया था वो सब धुल गया। शायद ये ऑफिस बचेगा। पिछली बार जब मात खाई थी तब तो ये भी नहीं था। तुम? मैं तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। मेरे पास टाइम नहीं है। क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो? मैं ठाकुर के आदमी से मिलके आ रहा हूँ। मेरी बर्बादी तो हो चुकी है, किसी से मिलने की क्या जरूरत है? अरे यार, अब जो होने वाला है ना वो और भी खतरनाक है। तू जानता है ना ठाकुर को, वो किस टाइप का आदमी है? वो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, समझता क्यों नहीं है? और मार्केट में बेचने पर सेटलमेंट चार्जेस बढ़ रहे हैं, तेरे लिए बेचने भारी पड़ेगा, समझ रहे? तू, तेरे को फोन करने आया था। मैं चलता हूँ, कुछ देख लेगा हमको। चल बाय। मतलब सब कुछ लुट जाएगा, पेमेंट्स भी पूरे नहीं कर पाऊंगा, फिर से मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, फिर से। ये गलत है, ये नाइंसाफी है। यही तो जंगल का कानून है माया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जंगल का कानून तो ये भी होता है कि जो गिरा हुआ है उसे पूरी तरह से रौंद दिया जाए। क्या पता ये लोग क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ। सुबोध। अरे आप, बड़े आदमी बनने की पहली निशानी है अपने पुराने दोस्तों से डर लो। एक सिक्योरिटी वाला रख लो, कहीं किसी ने किडनैप कर लिया तो। भला मुझे कौन किडनैप करेगा? मैं। और किडनैप करके कहां ले जाएंगे? अगवा हुए लोग सवाल नहीं करते, जाहिर है तुम्हें किसी सीक्रेट जगह पे ले जाया जाएगा। रैंसम क्या देना होगा? बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बेचने के लिए बहुत कुछ देने को तैयार हैं। अच्छा, कौन है ये लोग? तो क्या लोगे? चाय, कॉफी? हेलो सुबोध मेहता, क्या हुआ? सॉरी सर, एक्चुअली आप तो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। बड़े बड़े सपने देखना मैंने आप ही से सीखा है। आज अचानक आपसे यूं मुलाकात हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी इंस्पिरेशन से सिर्फ सपने ही आते हैं या कुछ प्रैक्टिकल सोच भी है? जी। अरे भाई, तुम क्या करना क्या चाहते हो मार्केट में है? ये सब कुछ खरीदते रहना, बेचने से इनकार करना, क्या प्लान्स क्या हैं? सर मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि सही रिसर्च के आधार पे, जैसे कि मिस्टर मधवानी कहते हैं, फंडामेंटल्स के आधार पे अगर मार्केट में पैसा लगाया जाए तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है।
इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और मार्केट्स में नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे और इन सबसे एक ऐसा मोमेंटम शुरू होगा जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को शायद नीचे ही ना आना पड़े। सपना तो अच्छा है, फिर क्यों फंस गए? सर जब ठाकुर जैसे बड़े कैंप के लोग मार्केट को काटने में लगे हों तो कोई रिसर्च काम नहीं आता। भाई बात समझ तो गए हो, लेकिन क्या फिर इस पर तोड़ क्या है? फंड्स। मार्केट को इन लोगों से बचाने के लिए हमें पैसा चाहिए ताकि ये जितना बेचें हम उतना ही खरीद सकें और मार्केट को नीचे आने ही ना दे। सर आप तो जानते ही हैं पिछले क्रैश में आपने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो तो मैं अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था। भाई हमारे इन्वेस्टर्स को जवाब भी तो देना है, है? बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा इस प्लान के लिए पैसा तो बहुत लगेगा। कम से कम 400 करोड़, पर इस पे मार्केट से रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन इतने फंड्स किसके पास हैं? सर इतने फंड्स तो सिर्फ बैंक्स के पास हैं। अगर वो पैसा मार्केट्स में आ जाए तो बस। बैंक्स के फंड्स स्टॉक मार्केट में लगाना रूल्स के खिलाफ है। सर ये तो मैंने भी सुना था, पर ठाकुर कैंप को तो फंड्स मिलते हैं। हाँ विदेशी बैंकों से सही। मैंने तो सुना है कि कुछ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस भी। लड़का सिर्फ सपने ही नहीं देखता है, होमवर्क भी करता है। मैंने कहा था ना सर, मैं जानता हूं कि कुछ रूल्स तोड़ने वाली बात है, पर ठाकुर कैंप के साथ उसके बैंक्स को भी बहुत फायदा हो रहा है। अगर चाहें तो हमारे इंडियन बैंक्स भी कर सकते हैं। सुनो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, रूल सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि पुराने लोग अपनी कुर्सियों में जमे रहें। उनकी कुर्सियों को कोई खतरा ना पहुंचे, मगर हम जैसे नए लोग अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो रूल्स तो तोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ। अगर मल्टीनेशनल बैंक्स ये काम कर सकते हैं तो हमारे इंडियन बैंक्स क्यों नहीं कर सकते हैं? बात इतनी आसान नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हजारों करोड़ का अनरेगुलेटेड मार्केट है। एक बैंक दूसरी बैंक से ही सिक्योरिटी खरीद सकती है, इसलिए तुम्हें कम से कम 2 बैंक्स के साथ डील करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में तो कोई गारंटी नहीं है। इतने करोड़ का मामला, इतनी पार्टीज को मनाना मुश्किल है। आपका कहने का मतलब है कि मेरे लिए मुश्किल है। देखो एक मिनट माधवानी, एक मिनट। पैसा एक ऐसी चीज है जो हमेशा उसी दिशा में बहती रहती है जिस दिशा से उसे सबसे ज्यादा मुनाफे की उम्मीद हो। अगर सुबोध मेहता मुनाफा देने के लिए तैयार है, दम रखता है, तो पैसा खुद ब खुद उसके पास बहता रहेगा। एक काम करो सुबोध जी, तो पहले इन सारी चीजों का पता कर लो कि सिक्योरिटीज में तुम्हारे साथ डील करने के लिए कौन कौन तैयार हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोग हैं ही, ठीक है ना? फिर कैसा रहा? सुबोध, हर कोई जानता है कि तुम एक लंबे रेस के घोड़े हो, पर तुम्हें अभी भी रेस कोर्स में घुसने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए कोई भी बैंक सामने नहीं आएगा। मामला क्रेडिबिलिटी का है। कहां से लाऊं वो क्रेडिबिलिटी? जेन वोरा साहब की सिफारिश चलेगी? अरे ऐसे मामले वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि लड़का भरोसेमंद है। हाँ बात बन सकती है अगर लोगों को अपने आप लगे कि तुम भरोसेमंद हो। वो कैसे? देख जो राजा का बेटा नहीं है वो राजकुमार कैसे बनेगा? अरे राजा की कुंवर साहब बनके
मतलब राजा की बेटी से शादी करके ही तो राजकुमार बनेगा ना? सुबोध कुछ तो मोहल्ले वालों से पूछो 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 अरे हाँ उनसे पूछ लो, और जब मैं बड़ा भी बजाऊंगा ना तब तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट मेरे इंटरव्यू लेने आए, हो सकता है कि मुझसे सवाल करें, सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आप किसे शादी करना चाहते हैं, किसे प्यार करते हैं, तब मैं उन्हें सब खुल्लम खुल्ला बता दूंगा जो अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरा वक्त चाहिए, लेकिन सुबह तुम्हारा वक्त कभी मेरा था ही नहीं। सुबोध, what a pleasant surprise! आओ ना अंदर आओ, आओ बैठो। तुम खड़े क्यों? बैठो ना। Thank you. सब ठीक तो है ना? हाँ, घर अच्छा है। हाँ, लेकिन जो चौल में एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी देकर जीने का मजा है ना, वो यहाँ नहीं है। ये तो बदलाव का पहला रूल है कि कुछ चीजें छूट जाती हैं। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो सुबह, तुम खुश तो हो ना? कुछ साल पहले सब कुछ लुट गया था, पापा गुजर गए, ना चाहते हुए बहुत कुछ खो दिया था। आज शायद चाहते हुए बहुत कुछ खो दूं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहूं या कहूं कि मैं तुम्हें समझ सकती हूं? तुम मुझे समझ सकती हो, ये मैं जानता हूं, और शायद यही बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सके तो आना। मैं चलता हूं। कैसी है तू? हो गया पैसों का इंतजाम? हाँ। सोच क्या रही है? अरे सुबोध ने कहा कि ये शेयर वो 3,000 तक पहुंचा के रहेगा। नहीं, सुबोध ने कहा है तो बरोबर है ससेल, पर 5,000 रुपए की बात है ना, मनु डर लगता है। सुबोध है ना, तो फिर चिंता किस बात की? पूरे? हाँ। अब मुझे ही देख लो, पिछले एक साल में मैंने इतना पैसा कमाया कि पूछो मत। अपनी बड़ी बेटी की शादी भी करवाई। मुझे पहले से ही मालूम था कि सुबोध मेहता क्रांति करेगा। एक्सक्यूज मी, मैं सुबोध मेहता से कहाँ मिल सकता हूँ? अब वो छोटे इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं करता। देखिए, दरअसल मैं उसका कॉलेज का दोस्त हूँ। अच्छा। और मैं अभी फुल टाइम शेयर इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है, VRS ले लिया है ना। भाई अब वो तो बड़ा आदमी बन गया है, कभी यहाँ कभी दिल्ली कलकत्ता। सुना है कि अभी अभी उसकी शादी भी हुई है, तब तो और बिजी होगा। सूटकेस में इतने नोट हैं कि कपड़े नहीं आ रहे हैं।
तुम एक और हैंडबैग क्यों नहीं ले लेते? वैसे इतने नोटों का करने क्या वाले हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस प्रोत्साहन देने के लिए है कि लोग अपना काम मन लगाकर करें। खासकर है ना, अभी बैंक के एम्प्लॉयज बेचारे बाबा आदम के जमाने के लेजर मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के। थैंकलेस जॉब है, इसे थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इतना कैश? हाँ, कुछ पॉलिटिशियन से भी मिल रहा हूं। मार्केट्स में जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं उन्हें थोड़ी तेजी देने के लिए। इसका मतलब अब हम पॉलिसीज पर भी काम कर रहे हैं। स्वीटहार्ट, अब हम एग्जीक्यूटिव क्लब क्लास भी तो ट्रैवल कर रहे हैं। शेयर मार्केट एक जंग का मैदान है, और जब जंग के तलवार खिंच गए हों तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जीतना। जंग में सबको जायज है। एक नया मिडिल क्लास जिसे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने चंद रुपयों को भी एक पूंजी की तरह इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें उनके सपनों का सौदागर मिल गया। अरे सुबोध मेहता मेरा हीरो है, हीरो। अगर सुबोध मेहता के पॉलिसीज को फॉलो करेंगे हम ससुरा अमेरिका और जापान बन सकते हैं। देश कुछ ही सालों में सुपर पावर बन जाएगा। रिस्क? वो तो नहीं सुना। सुबोध मेहता इसी चाल में रहता था। शेयर्स गिरने लगे तो बेच दो, रिस्क है। मैं उसका पड़ोसी हूँ, स्टॉक में बहुत स्कोप है। मैंने क्या कहा था, होल्ड करो। सुनिए भाई साहब, सुना है सुबोध भाई केबीसी के शेयर्स लेने वाले हैं। क्या है केबीसी? नहीं, उस पान वाले ने बताया ना सर, केबीसी आज का टिप है। केबीसी आज का टिप है? हाँ। क्या है कंपनी है केबीसी कोई? हैं? वो कह रहा खरीदो, तुम खरीदोगे? अबे क्यों दिमाग का मावन करने में तुले हो, केबीसी नाम की कोई कंपनी नहीं है। हमारी कोई चाल नहीं चल रही है। जिस तरीके से वो खरीद रहा है, आखिर उसके पास इतने फंड्स आए कहां से? दुनिया के शेयर बाजार में हिंदुस्तान वो शेयर है जो गिरते हुए रुका, संभला और फिर अचानक उसने ऊपर की ओर दिशा ली। ये सबसे तेजी से चढ़ता हुआ स्क्रिप्ट है। देखिए देखिए देखिए, हिंदुस्तान की तरह की आर्थिक व्यवस्था जहां हम अपनी काबिलियत से कम काम कर रहे हैं, वहां एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू। अगर अभी आप लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट के प्राइसेस कुछ ज्यादा ही बूम पे हैं, तो जब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से लिबरलाइज हो जाएगी, सोचिए अब क्या होगा। हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लें तो वो भी कंडीशंस के साथ आते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि हमें अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पब्लिक इश्यू के साथ डिसइन्वेस्ट करना चाहिए। इससे हमारे पास इतना पैसा आएगा, इतने फंड्स आएंगे कि हम अपना सारा फॉरेन का कर्ज वापस कर सकते हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, हमें अपनी मार्केट्स को कंट्रोल से फ्री करना होगा। थैंक यू। अरे विद्या ताई जरा समझो ना इन्हें, कब से मैं इन्हें कह रही हूँ कि एक एसी खरीदते हैं, लेकिन नहीं, ये है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे। ये ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगा है, ये वहीं पर पैसे डालेगा जहां से इसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इन्होंने तो हमारे सारे सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डाल दिए। पर ये तो बहुत रिस्की है। सुबोध के होते हुए कोई रिस्क नहीं है, ये तो हमारी किस्मत है कि हम उसे इतना अच्छी तरह से जानते हैं। इतना राइज हो गया है लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदला। छोटे इन्वेस्टर्स उसे भगवान मानते हैं, पता है। अब लोग स्टॉक मार्केट में रिस्क के बारे में बात नहीं करते, ये बात करते हैं कितना होल्ड कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात थी तो दो दिन तक इतने टेंस क्यों थे? क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट गिरेगा इसलिए, लेकिन मैंने सुबोध से बात की, उसने मुझे होल्ड करने के लिए कहा। वैसे विद्या, तुम्हें सुबोध के बारे में एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। देखते हैं। आइए। थैंक यू। मैंने आपके बॉन्ड इशू को ना पहले से ही खरीदना शुरू कर दिया था, इसलिए तो दाम ऊपर चढ़े हैं। और अभी आगे आगे देखिएगा आप, मैं उनको इतना ऊपर ले जाऊंगा। इट्स ओके, मैं उनको कूलिंग पीरियड के खत्म होने तक होल्ड करूंगा, नीचे आने ही नहीं दूंगा। ठाकुर ने
कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल भेजा है। क्या? यस। कॉम्प्रोमाइज? यस। ये ठाकुर बहुत ही शातिर चीज है, जरूर इसमें भी उसकी कोई। झगड़े से किसी का भी फायदा नहीं है सुबोध। अच्छी बात यही होगी कि तुम उनसे मिलकर सबके हित में एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालो। हाँ, लेकिन उसके डिमांड्स क्या है? इस पे डिपेंड करेगा कि मैं सेटलमेंट करूं या नहीं। बेवकूफ मत बनो। सुबोध, मार्केट के कुछ कायदे होते हैं। ठाकुर से मुठभेड़ में सबकी तबाही होगी, ये बात समझने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, इसलिए मेरा कहना मानो, सेटलमेंट करो। तुमने बैंक का पैसा उठाकर शेयर्स खरीद तो लिए हैं, राइट? लेकिन ये बैंक का पैसा तुम्हें कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा ही, या नहीं? तब तो शेयर्स बेचोगे ना? इसीलिए तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जोर शोर से लॉबी करने में लगा हूं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट में आने दे, उनका पैसा आते ही बैंक के पैसे लौटा दूंगा। सुबोध, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। लेकिन सर, कल मीटिंग है। थैंक्स फॉर कमिंग। हमारा जो ये शेयर मार्केट है वो सबको चांस देता है। इसमें हर तरह के व्यू पॉइंट्स को हमें पनपने देना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्हें ये मान लेना चाहिए कि कुछ लोग नए नजरिए से बदलाव कर रहे हैं। एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में किसी का कोई फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हम इस जंग को यहीं पर बंद कर दें। देखिए, शेयर मार्केट में बदलाव इकोनॉमी के सुधरने और लिबरलाइजेशन से है। ऑल क्रेडिट गोज टू द सिस्टम। बस मैंने उसे पहले भाप लिया था। यह तो इत्तेफाक की बात है कि मेरा असेसमेंट सही निकला और चीजें यहां तक पहुंची। अगर यहां बैठे सीनियर्स ये मान लें कि अब मार्केट में नए लोग भी शामिल हैं और उन्हें डराकर भगाया नहीं जा सकता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जुगाड़ सिंह, हम लोग यहां सेटलमेंट के लिए मिले हैं क्योंकि ये आपका आइडिया था। इस नए छोकरे का ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहां। लेकिन बिजानी ने तो कहा था कि ये लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं। क्या कहा? हम और सेटलमेंट? लगता है तुम ठीक तरीके से हमें जानते नहीं हो। मिस्टर सिंह, आपने इसे हमारे बारे में बताया नहीं क्या? हमारे एक इशारे पर तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा, और अब हम तभी मानेंगे जब ये लड़का हमारी सारी बातें मान लेगा। पिछली 3 पुश्तों से हम इसी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तुम कल के आए हुए छोकरे हमें क्या सिखाओगे? आप अपनी पुश्तों की जागीर अभी भी पुराने तरीकों से चला रहे हैं, इसीलिए आपकी ये नौबत आ गई है। और शायद वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में नहीं मार्केट के बारे में भी सोचें, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स और नए हालात दोनों ही ठहरने के लिए हैं। ये तो कहीं नहीं जाने वाले। सब बकवास है। अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमें मार्केट को नीचे लाना होगा, जो इसके रहते हुए नहीं हो सकता। देखिए, मैं मार्केट को नीचे नहीं लेके। क्या? ठीक है बेटा, हम सबके लिए तो तुम भगवान हो। आपकी वजह से तो हमारी जिंदगी बदल गई है। सुबोध, आज का टिप क्या है? किसके शेयर्स खरीदूं? सुबोध, हमें देर हो रही है। इन लोगों को मुझ पर अटूट विश्वास है और मैं इनके भरोसे को ठेस पहुंचाने वाला हूं। सुबोध, संभालो अपने आप को।
फाइनेंस मिनिस्टर से अनाउंसमेंट आ गया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना अलाउ किया जाएगा। आपकी मेहनत सफल हुई सुबोध भाई, पर अब कोई फायदा नहीं। प्लान बदल गया है। अपनी पूरी टीम से कहो कि हम अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, मार्केट को कुछ चंद लोगों की छोटी सोच की वजह से नीचे नहीं गिरने देंगे। वो लोग जितना हैमर करें सब खरीद लो। मार्केट का सही मतलब खरीदना होता है। अरे तुम लोगों की शक्लें इतनी गिरी हुई क्यों हैं? वो कुछ नहीं सर, उस दिन के कंप्रोमाइज के बाद भी सुबोध ने आज फिर पंगा ले लिया। यही तो गेम है। सुबोध के पीछे अभी तक जो लोग थे वो अब उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? यही मौका है। वार करो, हर तरफ से वार करो, तबाह कर दो उसे। अब कोई नहीं आएगा उसकी मदद के लिए। पर प्लान क्या है? Could you connect me to the income tax commissioner, please? देखिए, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, लेकिन रेज में उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इस देश का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं एंड आई विल फाइट बैक। हेलो रजिता, मैंने पेपर्स देख लिए। गो अहेड। ठीक है, आप मेरे और मेरे कॉलीग्स के चेक्स भिजवा दीजिए। कल की न्यूज रिपोर्ट्स रंगीन होंगी। मुझ पे गबन का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो वही किया जो मार्केट और देश के हित में था। आपका भी तो यही सपना था कि मार्केट ऊपर जाए जिससे इंडस्ट्री को भी फायदा हो। देखो सुबोध, बात अब हद से बाहर निकल गई है। अब प्रेस, पुलिस, फिर बाद में पार्लियामेंट, उसके बाद कोर्ट, सभी जगह यह मुद्दा उछाला जाएगा। और जैसे कि तुम जानते हो, वहां ख्वाबों के कोई मायने नहीं होते हैं। वहां सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस गबन का जिम्मेदार कौन है, और वो तुम हो। मगर ये तो नाइंसाफी है। अगर मुझे सजा होगी तो बाकियों को भी तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वही किया है जो वो सदियों से करते आ रहे हैं। सिर्फ ये कि मैंने इंडियन बैंक्स का पैसा इस्तेमाल किया। एक मिनट सुबोध, एक मिनट।
बाकी लोगों में से किसको सजा होगी किसको नहीं होगी इसके बारे में मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। I'm sorry. लेकिन सुबोध, जिन जिन का इस मार्केट में इंटरेस्ट है वो सभी यही चाहते हैं कि सच पे पर्दा डला रहे। और सुबोध, असल में तुम्हें भी पूरी तस्वीर की ओर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी इस मामूली परेशानी की ओर। द मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, बैंकों के सारे रिकॉर्ड्स बहुत बहुत ही बुरे हाल में हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स दरवाजे पे खड़े हैं, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़े ना कि यहां बैंकों में क्या हो रहा है तो दुनिया का कोई भी देश इस हमारे देश में पैसा नहीं लगाएगा, एक पाई भी नहीं। मैं और इसलिए इसलिए एक शख्स, सिर्फ एक शख्स इस पूरे स्कैम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जस्ट वन सिंगल पर्सन, पूरा मार्केट नहीं, ताकि मार्केट को गिरने के लिए कोई वजह मिले तो मार्केट को वजह भी मिलेगी गिरने के लिए, क्रैश होने के लिए, प्रेस को स्टोरी भी मिलेगी, पब्लिक को विलन भी मिलेगा और फिर से सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। That's simple. और ये विलन मैं बनूं? आप ये सब करके अपने ही दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। देखो सुबोध मैडम, मैं ना किसी का दुश्मन हूं ना किसी का दोस्त हूं, मैं सिर्फ मुनाफे की तरफ देखता हूं, ओनली प्रॉफिट्स। और मेरे ख्याल में इस वक्त हम सब के लिए यही फायदेमंद है। और सच का क्या होगा? सच तो यही है कि मैंने वो किया जो सब करते हैं, बस वो मार्केट को दबाने के लिए करते हैं, मैंने मार्केट को उठाने के लिए किया। अरे भैया, सच में किसको इंटरेस्ट होता है? पब्लिक को सरल कहानियां पसंद आती है, सिंपल स्टोरीज। उनकी समझ में यह ज्यादा आसानी से आएगा कि सुबोध मेहता और माधवानी दोनों ने मिलकर आईएसबी बैंक से 400 करोड़ का गफला किया। आप मधुनी साहब के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। सर, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। देखो सुबोध, मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। मुझ पर भी इंक्वायरी बिठा रहे हैं। जुगाद सिंह कह रहा था मुझे पहले से आगाह करना चाहता है, कहता है जो कुछ भी बचाना चाहूं बचा लूं मैं। इतने सालों में मैंने तो बस अपना रेपुटेशन कमाया है, उसे तो नहीं बचा सकता ना। सुबोध, चाहे जो भी हो, इतना याद रखना कि मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था कि तुम्हारे इरादे नेक हैं।
दिल्ली से आपकी बात हो गई ना, बस वही है, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, घर वाले भी यही चाहते हैं। हमने मीडिया से कहा है कि हार्ट अटैक है, वो सुसाइड बताने की जरूरत नहीं है। देखिए बेचारी की पूरी जिंदगी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, अब मौत के बाद भी उसे ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। आज स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया। स्टॉक मार्केट के इतिहास में यह सबसे बड़ा क्रैश माना जाता है। इस 400 करोड़ रुपयों के स्कैम की वजह से हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टी मेंबर्स ने जोर शोर से नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि स्टॉक मार्केट घोटाले में NIB जल्द से जल्द इंक्वायरी करेगी, लेकिन ओपोजिशन पार्टी की बहस ये थी कि सरकार को फाइनेंस मिनिस्टर और NIB गवर्नर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मैंने जो भी किया वो मार्केट के उसूलों के तहत ही किया, कानूनन वो जुर्म हो भी लेकिन उसूलन वो सबकी भलाई के लिए ही था। मेरे इन एक्शन से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बैंक्स, ब्यूरोक्रेट्स, यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी। अगर मुझे सजा होगी तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे और तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसमें अकेला नहीं था, मुझे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप इस स्कैम के जिम्मेदार नहीं है जिसकी वजह से देश को इतना नुकसान हुआ? जी नहीं, ये एक साजिश है, बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स जो तबाह हो गए उनका क्या होगा? देखिए स्टॉक मार्केट कोई गारंटी तो नहीं देता, जब बूम था तो लोगों को फायदा हुआ था, जाहिर है जब क्रैश होगा तो नुकसान भी होगा। मैं मानता हूं कि क्रैश नहीं होना चाहिए था, और अगर मेरे बस में होता तो मैं ये क्रैश होने ही नहीं देता। थैंक यू, दैट्स ऑल। तुम्हें किस मुंह से बताता कि आज सब कुछ लुट गया हमारा, कुछ नहीं बचा। मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं, कल सुबह का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और कल सुबह से ज्यादा अपनी बच्ची को और तुम्हें किस मुंह से कहूं कि हमारे पास अब जीने का कोई सहारा नहीं, इसीलिए ये कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम लोग केस बनाओ और सुबोध को जेल भेजो, सिर्फ एक कफले से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर और केस ला दो। एनी डैम थिंग, कुछ भी, नारकोटिक्स, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, कुछ भी, एनी डैम थिंग, जस्ट फिक्स हिम। ट्रायल की तारीख तक पब्लिक की नजर में उसके लिए सिर्फ नफरत होनी चाहिए और कुछ नहीं। और सुनो, अगर वो इन केसेस से बच भी गया तब भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक की नजर में वो हमेशा गुनहगार ही रहेगा। ये सुबोध मेहता, ये बड़े बड़ों की, बहुत पावरफुल लोगों की पोल खोल सकता है। जिस दिन उसे लगा ना कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और वो इससे बच नहीं पाएगा तो वो सुइसाइडल हो सकता है। उस पर इतना भारी मत उतरो, उसे यही एहसास होना चाहिए कि वो इससे बाहर निकल आएगा, बच पाएगा। जुगाड़ सिंह, मैं सुन रहा हूं कि वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेने वाला है, इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले उसे मिलो, समझाओ। देखिए एक मिनट, देखो जुगाड़ सिंह, मुझ पर बेवजह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। सुबोध ये सब उस ठाकुर ने करवाया है, भेजानी ने उसकी अच्छी क्लास ली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो थोड़ा तो मचमच होगा ही ना, अब किसी ना किसी को सजा होनी है। सिस्टम को अपने हिसाब से एक्शन लेने दो, वापस आकर तुम्हें भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है। इसीलिए तो मैं अब तक चुप था, इल्जाम वापस लो, मैं आगे भी चुप रहूंगा। लेट्स गो आकाश। सुबोध मैं भी यही कह रहा हूं, जब तक हम एक दूसरे को समझते रहें तब तक सब ठीक है। आपने अपने पिछले स्टेटमेंट में कहा था कि आपने कुछ पॉलिटिशियंस को ब्राइब्स दिए थे।
जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ब्राइब शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था। विद्या बेटी, तू कुछ समझा ना? सुबोध ने क्या किया है? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, उसे जेल में क्यों ले जा रहे हैं? सिविल केस है, फिर भी बेल नहीं दे रहे, इसमें भी कोई चाल है? आप हौसला रखिए काकी, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहना? मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। I'll be back। लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हारे दिखलाए हुए सपनों के पीछे अपना सब कुछ खो चुके हैं? अगर मेरे प्लान साकार होते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या उन लोगों को, क्या जयंत को पता था कि तुम्हारे प्लान्स फेल भी हो सकते हैं? विद्या, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मेरे इरादे हमेशा सच्चे थे। मैं तो बस लोगों के लिए उनके सपने साकार करने का एक जरिया खोलना चाहता था। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहा। किसी को भी नहीं। मिस्टर मेहता, इट्स टाइम टू गो। देखिए, ये सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई विल बी बैक इन द मार्केट, बस कुछ ही दिनों की बात है। थैंक यू। सुबोध का जो विश्वास था कि कोर्ट में उसे इंसाफ मिलेगा, वो गलत निकला। सुबोध ये कभी प्रूफ नहीं कर पाया कि उसने गफला नहीं किया था। उम्मीद की एक आंधी लेकर चला था वो, और उसी उम्मीद से वंचित वो गुजर गया। कुछ साल बाद एक और बुल रन हुआ जिसमें शेयर्स के दाम आसमान छूने लगे। उस बुल रन का सबसे बड़ा बादशाह था आकाश पारेख। लेकिन इस बबल को भी बर्स्ट होना था। आकाश को एनआईबी ने अरेस्ट किया और एक नया स्कैम एक्सपोज हुआ। 100 अनजाने चेहरों का गफला और एक चेहरा बेचा गया। हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि इसी तरह अनजाने चेहरों की भीड़ में बहते रहे। क्या पता किस लहर के पीछे एक और गफला छुपा हो। सपने और इच्छाएं बदलते समय और हालात के मोहताज होते हैं। अपने उम्मीदों का निवेश करने से पहले ऑफर को ठीक से जांच पर रख लें। लोहे को लोहा काटे, लोहा काटे, लोहा काटे, लोहे को लोहा काटे, लोहा काटे, लोहा काटे, जहर को जहर मारे, गफले को गफले को। रोके तो कैसे रोके, जितने सपने उतने धोखे। खोया भी पाया भी है, सपनों का यूं साथी होके।
तेरे मेरे इसके उसके, ना सपने ना गफले बस के, जैसे चाहे वैसे जी ले, रो रो के या थोड़ा हंस के, झूठे से झूठा हारे, झूठे से झूठा हारे, सच्चे को सच प्यारे, गफले को गफले को। यार हार में जीत छुपी है और जीत में हार है, सीधा भी है उल्टा भी है, जैसा है संसार है। तेरा नाम मेरा है माना के बस डेरा है, जीना भी छीन ले जाए, कैसा चार चुफेरा है ये, सही गलत यहाँ कुछ भी नहीं है, सही गलत कभी गलत सही है, जैसे चाहो वैसे सोचो, जो सोचोगे ठीक वही है। लोहे को लोहा काटे, लोहा काटे, लोहा काटे, लोहे को लोहा काटे, जहर को जहर मारे, गफले को गफले को गफले को।